हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा अंतःश्वसन। अंतःश्वसन, इनहिबिशन अंतःश्वसन क्या है, सभी ध्यान देंगे। अंतःश्वसन एक भौतिक क्रिया है, ध्यान रहे। अंतःश्वसन एक भौतिक क्रिया है जो विसरण क्रिया पर आधारित है। जो आप विसरण क्रिया पहले आपने पढ़ा है, विसरण क्रिया पर आधारित है, जिसमें ठोस व अर्धठोस कार्बनिक पदार्थ, अर्धठोस कार्बनिक पदार्थ जल में नमी को अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसे अंतःश्वसन या अंतःश्वसन, ये भी ध्यान रहे, अंतःश्वसन या अंतःश्वसन के नाम से जानते हैं। अंतःश्वसन क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो अंतःश्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, ध्यान रहे, उन्हें अंतःश्वसन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, उन्हें बोलते हैं अंतःश्वसक, जो अंतःश्वसन क्रिया में क्या लेंगे, भाग लेंगे। जैसे प्रोटीन है, सेलुलोज है, ये आपको ध्यान रखना, जैसे प्रोटीन, सेलुलोज एक प्रकार से क्या है, अंतःश्वसक है। तो ध्यान रहे, अंतःश्वसक क्या होते हैं, कि वे पदार्थ जो अंतःश्वसन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अंतःश्वसक कहते हैं। अंतःश्वसन क्रिया में जल का गमन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, यह आपको ध्यान रखना है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, यह आप ध्यान रखेंगे। अंतःश्वसन क्रिया होगी जिसके अंदर जल का गमन होगा, जो उच्च दाब से क्या होगा, निम्न दाब की ओर होगा। जब बीज होते हैं या कोई लकड़ी होती है, उसे शुष्क या आद्र स्थिति में रखते हैं, तो एक प्रकार से जल अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जो एक प्रकार से अंतःश्वसन या अंतःश्वसन क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अंतःश्वसन क्रिया के कारण उत्पन्न दाब को ध्यान रहे, अंतःश्वसन दाब बोलते हैं, जिससे क्या बोलेंगे, अंतःश्वसन दाब। इनहिबिशन प्रेशर या शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आईपी बोलेंगे, भी आपको ध्यान रखना है। अंतःश्वसन क्रिया निम्न कारकों से प्रभावित होती है, जैसे तापक्रम, इसी प्रकार से अंतःश्वसन की बनावट, टेक्चर बोलेंगे, इसी प्रकार से बंधुता, जल विभव आदि कारकों से एक प्रकार से अंतःश्वसन क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। महत्व की बात करेंगे, अंतःश्वसन क्रिया के महत्व। अंतःश्वसन क्रिया के कारण बीज होते हैं, जो जल अवशोषित करके क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। ध्यान रखेंगे कि बीज होते हैं जो जल अवशोषित करके क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। अंतःश्वसन क्रिया के कारण बीज होते हैं जो जल अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। बरसात के दिनों में देखते हैं, दरवाजे व खिड़कियां होती हैं, जो जल अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, वो अंतःश्वसन क्रिया के कारण ही होता है। शुष्क फल होते हैं, बीजाणु धानियां होती हैं, उनका स्फुटन होता है, जो एक प्रकार से कौन से क्रिया के कारण होगा, अंतःश्वसन क्रिया के कारण ही होता है। ध्यान रहे,
इसी प्रकार से कोई चट्टान होती है उसको तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन सी क्रिया सहायक होती है? अंतः श्वसन क्रिया सहायक होती है। मृदा निर्माण में, मृदा निर्माण में भी एक प्रकार से अंतः श्वसन क्रिया क्या होती है? सहायक होती है। ये अंतः श्वसन क्रिया के क्या महत्व है? तो ये अपना टॉपिक चला था अंतः श्वसन, अंतः श्वसन के महत्व। तो अंतः श्वसन क्या है कि अंतः श्वसन एक भौतिक क्रिया है जो मिश्रण क्रिया पर आधारित है, अर्थात जिसमें कोई भी ठोस या अर्ध ठोस कार्बनिक पदार्थ जल में नमी को अवशोषित करके क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो अपना ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो कल से हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।